नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों ने, ऑफिस बेयरर्स ने वहां पर जो बात रखी है, मैं उससे मुत्तफिक हूं, मैं उससे एग्री करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम टीम ऑफ लॉयर्स का जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, मुस्लिम साइड की तरफ से जनाब राजीव धवन साहब का, खास तौर से सैयद शकील साहब का, एमआर शमशाद साहब का, फुजैल अयूबी साहब का, हमारे नाफडे साहब का, मीनाक्षी मैडम का और तमाम जिन का नाम मैंने लिया, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सिंसियरली मेहनत की और मुस्लिम साइड के केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तीसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजिशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौकफ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन यह है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोलिए ट्रेवेस्टी कहिए क्या कहिए, किस्मत कहिए कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, गो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उस सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का, डिमोलिशन का, कि वो कानून के खिलाफ था। तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे। फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या? सुनिए सुनिए, और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा है, हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबन्नी है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश में हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा कि वो रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे। मेरी जाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। ये किसने कहा था? ये जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्वा जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी,
एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है और फख्र है, यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीजें होने वाली हैं उस मुल्क में और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि वहां पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने ये भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहां पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सर आपने ही कहा था कि पहले कि कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों चेंज कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है यह कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ हैं। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।